मंचस्थ उपस्थित सभी मान्यवर, आभासी माध्यम के द्वारा यहाँ उपस्थित है तो श्रद्धेय शंकराचार्य जी महाराज, आदरणीय श्रीनिवास जी, उपस्थित सज्जन, माता भगिनी, पुस्तक के बारे में तो आपको पूर्ण और यथातथ्य जानकारी जितेंद्र जी के माध्यम से हुई है। ये जो उन्होंने पुस्तक में कहा है और आपके सामने उसका सारांश बताया है, इसके एक एक शब्द, एक एक वाक्य के लिए स्वयं गांधी जी की साक्षी उन्होंने पुस्तक में दी है। क्योंकि ये गांधी जी के बारे में पुस्तक राइज ऑफ ए हिंदू पेट्रियॉट और उसका लोकार्पण कार्यक्रम, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक, इससे बहुत अटकलें लग सकती है, लगती रही होगी, मुझे पता नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। अभी मैं केरल में था, वहाँ से आया हूँ यहाँ, तो मैंने ऐसा सुना, वहाँ पर किसी ने कहा या चर्चा चली होगी कि ये अप्रोप्रिएट कर रहे हैं गांधी जी को। ऐसा नहीं है, महापुरुषों को अप्रोप्रिएट कर नहीं सकता कोई। ये तो नमक की गुड़िया सागर का तल खोजने के लिए जाए तो जो होगा वैसा होता है, अगर अप्रोप्रिएट करने जाएंगे तो। इसलिए संभव नहीं है, ये पुस्तक इसलिए लिखी ही नहीं गई है। गांधी जी के बारे में यह एक बहुत प्रामाणिक शोध ग्रंथ है और इसके बारे में जिनको चर्चा करनी है या कोई भिन्न मत भी देना है, उनको उसी प्रकार की शोध प्रवृत्ति का अवलंबन करके ही वो कर सकेंगे। बहुत परिश्रम पूर्वक सारी खोजबीन करते हुए इस ग्रंथ का निर्माण हुआ है और इसलिए मैं लेखक द्वय और प्रकाशक महोदय तीनों का अभिनंदन करता हूं। हिंदू पेट्रियॉट ये वदतो व्याघात है भारत में। एक तो हम पहले से ऐसा मानते हैं कि देशभक्त ये संज्ञा कुछ लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। एक प्रवृत्ति होती है प्रत्येक व्यक्ति की, कम से कम भारत में होती है, वो इस भूमि को पवित्र मानता है, इस भूमि को अपना मानता है। तो एक आत्मीयता पूर्वक पावित्र्य की भावना इस भूमि में वो रखता है, वो उसकी पूजा भी करता है। जमीन की पूजा, माटी की पूजा, ये भारतवर्ष के सब लोगों में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। परंतु गांधी जी ने जो बात कही है वो गौर करने लायक है। ये देशभक्त तो हम सब है, लेकिन गांधी जी ने कहा कि मेरी देशभक्ति मेरे धर्म से निकलती है। तो हिंदू पेट्रियॉट यानी हिंदू है तो पेट्रियॉट होना ही पड़ेगा, उसको मूल में उसके प्रकृति में वो है। हाँ, ऊपर की राग धूल झाड़कर उसको खड़ा करना पड़ता है, सोया हुआ पेट्रियॉट रहता है और जागृत पेट्रियॉट रहता है, ये हो सकता है, लेकिन भारत विरोधी ऐसा कोई नहीं रहता है, भारत द्रोही ऐसा कोई नहीं रहता है। परंतु ये सजगता, कहीं हम फिसल न जाए, कहीं हमारी चूक न हो जाए, ये सजगता तब आती है जब देशभक्ति के बारे में हम स्वयं जागृत रहते, कॉन्शियस रहते, मैं मेरे देश पर प्रेम करता हूँ यानी क्या। तो देश यानी केवल भूमि नहीं है, भूमि तो है ही, बिना भूमि के भी नहीं है,
देश का अर्थ एक अर्थ में भूमि होता है, परंतु जब हम देश कहते हैं तो उसका जमीन, जन, जंगल, जानवर सब कुछ ये उसमें आता है, और उसकी परंपरा भी आती है, उसका स्वभाव भी आता है। परंपरा में जो कालबाह्य बातें रहती वो बदलती है, लेकिन परंपरा जिस स्वभाव के कारण बनती है वो स्वभाव चलते रहता है। भारत का नाम भारत ये केवल एक भौगोलिक प्रदेश को दिया हुआ नाम नहीं है, एक प्रवृत्ति को दिया हुआ नाम है। और जब गांधी जी कहते हैं कि मेरी देशभक्ति मेरे धर्म से उपजी है, वो ये भी कहते हैं कि स्वराज्य की मांग करने वाले बहुत लोग हैं, परंतु मेरे मन में प्रश्न है कि स्वराज हम मांग रहे यानी क्या मांग रहे उनको पता है क्या? स्वराज्य क्या है ये जब तक आप स्वधर्म को नहीं समझते तब तक आप समझ नहीं सकते। अब गांधी जी स्वयं बनने के लिए तो उन्होंने किया ही परिश्रम, जो जो उन्होंने कहा है वो उनका अपना किया हुआ है, वो पर उपदेश कुशल बहुतेरे लोगों में नहीं थे। डॉक्टर अग्रवाल ने उनके बारे में 1922 में एक सभा में कहा था, कांग्रेसजनों के सामने ही उनको कहा था बोलने के लिए गांधी जी के बारे में। गांधी जी को जेल में डाला था तो उस दिन फिर एक गांधी जी के सारे विचारों का स्मरण वगैरह करने के लिए कांग्रेस कमेटी सभा करती थी, तो उसमें डॉक्टर हेडगेवार को बुलाया था वक्ता के नाते। तो उन्होंने ये कहा कि केवल सभा और स्मरण करके काम नहीं होगा, गांधी जी का जो अपने ध्येय सिद्धि के लिए पराकोटि का त्याग है, निस्वार्थ बुद्धि है और प्रामाणिकता है, और ध्येय के प्राप्ति के लिए सर्वस्व समर्पण की तैयारी है, उसका हमको अनुकरण करना पड़ेगा। तो गांधी जी स्वयं उन्होंने जो जो लिखा बोला है उसका उदाहरण बने ही है, कभी कभी तो पराकोटि की अतिवादिता में जाकर भी बने ऐसा किसी किसी को लगता है, लेकिन आदर्श जो लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, अपने जिन गुणों का वो आदर्श है उसकी अति उनमें रहती ही होनी पड़ती है, नहीं तो आदर्श नहीं बन सकते, वो प्रकाश नहीं दे सकते। तो गांधी जी स्वयं आदर्श थे, लेकिन अभी बताया कि मैं ये सहन नहीं करूंगा और मैं ये आपको सहन नहीं करने दूंगा, मैं अपने स्वधर्मों को समझकर देशभक्त अच्छा बनूंगा और मैं आपको भी आपके स्वधर्मों को समझकर अच्छा देशभक्त बनने के लिए बाध्य करूंगा। ये उन्होंने जीवित कार्य लिया था, और इसलिए उनको जो बात करनी पड़ती थी लोगों की भाषा में करनी पड़ती थी, और जैसा हम सब लोग जानते हैं कि धर्म ये खास भारत का शब्द है, भारत की सब भाषाओं के लिए भाषाओं में धर्म शब्द है अथवा धर्म के लिए योग्य प्रति शब्द है। जैसे यहाँ एक चंद्रशेखर सरस्वती स्वामी महाराज का वक्तव्य 15 अगस्त का है, उसमें उन्होंने नाम दिए, वो तमिल में पोरुल कहते हैं धर्म, कल्पना बिल्कुल वही है, कंटेंट में कोई फर्क नहीं है, प्रतिशब्द अलग है, भाषा अलग है, लेकिन दुनिया की भाषाओं में यह कंटेंट देने वाला शब्द नहीं है। पाश्चात्यों ने जब इसको समझने का प्रयास किया तो उनको ऐसा लगा कि इसमें यम नियमात्मक आचरण है, यानी आचरण के नियम है, इसलिए दिस इज रिलीजन, रिलीजियो यानी बांधना, बांधकर रखना, बाध्य करना, बांधकर, पहले यह अर्थ था लैटिन में, बाद में ये बाध्य करने वाला कंटेंट थोड़ा ढीला हो गया और एक लीक रिलीजियो ऐसा उसका अर्थ हो गया। तो हमारे यहां उसको संप्रदाय कहते हैं, हमारे यहां उसको पंथ कहते हैं, लेकिन रिलीजन शब्द चलता था, इसलिए गांधी जी ने उसका उपयोग किया होगा, मुझे मालूम नहीं ऐसा ही है कि नहीं, आपको जितेंद्र जी बताएंगे। लेकिन गांधी जी का और एक वाक्य है कि मेरा धर्म बंद धर्म नहीं है, मैं भाव बता रहा हूं आपको, इसमें पुस्तक में मिल जाएगा वाक्य,
मेरा धर्म तो सब धर्मों का धर्म है, माय रिलीजन इज रिलीजन ऑफ ऑल रिलीजन्स। अब ये क्या चीज है, क्योंकि रिलीजन तो एक लीक है, उसकी और कोई रिलीजन नहीं हो सकता। उसका रिलीजन अपने आप में विशिष्ट है, थोड़ा आपने उसमें अंतर किया तो आपका दूसरा रिलीजन हो गया, वो रिलीजन नहीं हो सकता। सभी पंथ संप्रदाय वैष्णव हो शैव हो शाक्त हो, देवता निश्चित है, कर्मकांड निश्चित है, पुस्तक निश्चित है, गुरु निश्चित है, वैसा आप चलो, उसका और रिलीजन नहीं हो सकता। लेकिन गांधी जी कहते हैं तो उसका मतलब क्या है, मतलब यह है गांधी जी को कहना है धर्म, लेकिन अंग्रेजी में प्रतिशब्द नहीं है। भारत के सारे पंथ संप्रदायों के मूल में एक सत्य है, वो अनुभूत सत्य है, वो थियराइजेशन नहीं है, वो रियलाइजेशन है। और रियलाइजेशन की परंपरा अभी 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 तक चल रही है, आगे भी चलेगी। रायचंद्र जी के बारे में आपने कहा कि ऐसे लोग थे नहीं, ऐसे लोग आज भी है। यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, और इसलिए एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट ऑफ ऑल डाइवर्सिटीज, ये हमारे यहाँ अनुभूति की बात है, ये हमारी पॉलिसी नहीं है, ये सत्य है, ये हमारी श्रद्धा का विषय है। भारत के सब संप्रदायों के मूल में इसको माना है, एक से अनेक बना है, विविधता में एकता नहीं, एकता की ही विविधताएं हैं। और इसलिए मैं रिलीजन के नाते मैंने जो लीक चुनी है उसमें चलूंगा, उसका गौरव भी मन में रखूंगा, उस पर पक्का रहूंगा, और दूसरी लीक में चलने वाले दूसरे रिलीजन के लोगों को भी उतना ही सार्थक सत्य मानूंगा, उनके लीक का आदर भी करूंगा, उसका स्वीकार भी करूंगा। लीक अलग है इसलिए हम अलग नहीं है, लीक अलग है इसलिए हमारा झगड़ा नहीं हो सकता, हम मिलजुल कर रह सकते हैं। ये भारत के सब विचारों के मूल में एक प्रस्थान बिंदु सबका समान है, फिर अलग अलग हो सकता है और परस्पर विरोधी भी हो सकता है, लेकिन कंक्लूजन ऐसा है, इसलिए मनुष्य ने कैसे जीना चाहिए वो सबका समान है। शब्द अलग अलग है लेकिन बात यही मिलेगी आपको, सत्य अहिंसा अपरिग्रह अस्तेय ब्रह्मचर्य शौच तप संतोष स्वाध्याय सत्य प्रणिधान, जो भगवान को मानते हैं वो ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। और इसलिए जब हम कहते रिलीजन ऑफ रिलीजन्स तो लगता है गांधी जी के मन में यह है कि पूजा आपकी कोई भी हो, कर्मकांड आपका कोई भी हो, गुरु किताब कोई भी हो, लेकिन सब एक है, इसलिए सबको अपना मानकर चलना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। डिफरेंस डजंट मीन सेपरेटिज्म, डिफरेंट होने के बाद भी हम एक देश एक राष्ट्र एक समाज एक धरती के पुत्र बनकर रह सकते हैं, रहे हैं सदियों भारत में। और आपकी लीक कोई भी हो, आपकी पूजा किताब कोई भी हो, लेकिन आपको इसका पालन करना चाहिए, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य शौच तप संतोष स्वाध्याय सत्य प्रणिधान। इसको भारत में धर्म कहा गया है, इसके लिए प्रतिशब्द नहीं है, वो भारत नहीं है। और भारत की सभ्यता, भारत का विचार, भारत का स्वभाव और बाकी दुनिया का स्वभाव, इसमें अंतर है, उसको गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा है, हिंद स्वराज में भी कहा है। कि भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और एक बात कही उन्होंने शायद, और एक वाक्य कहा है, याद आता है आपको एकदम, इन दो बातों ने मनुष्य जीवन का सत्यानाश किया है, उन्होंने कहा है। तो इन्होंने सत्यानाश किया तो चल तो वही रहा है ना, उसी पर आधारित सारा विचार है,
गांधी जी ये समझते थे स्वतंत्रता की लड़ाई ये केवल राज्य में बैठे लोगों को बदलने की लड़ाई नहीं है, ये अपने स्वभाव के आधार पर, अपने संस्कृति सभ्यता के आधार पर, अपने राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक अंग के पुनर्निर्माण की बात है। इसलिए केवल लड़ने की कुव्वत काफी नहीं है। जैसा भारत बनाना है वैसा जीवन जीने वाले लोग चाहिए। उन्होंने उसको सभ्यताओं का संघर्ष कहा है। राज्य हमारा गया ये तो नुकसान है ही, परंतु ये पाश्चिमात्य सभ्यता हम लोगों के सभ्यता को दबाकर हमारा जीवन बर्बाद कर रही है, ऐसा साफ साफ कहा है। और आगे वो कहते हैं कि मुझे पहला दुख ये है कि हम धर्म भ्रष्ट हो गए, यानी हमारे व्यक्तिगत सामाजिक जीवन में सत्य अहिंसा हस्त्य अपरिग्रह ब्रह्मचर्य आदि आदि का जो चलन दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। वो मुझे आश्चर्य लगता है, डॉक्टर एडगेवार ने ऐसे विचार किया, ये दूसरों को दोष मत दो, आपके जीवन में कुछ कमियां है इसलिए ऐसा हो रहा है, आपके होते हुए आपका देश गुलाम हो गया, आपको गुलाम किया गया, आपके होते हुए आपको एक समृद्ध समाज से एक गरीब एक कंगाल समाज बना दिया गया, ये आपने होने दिया, इसका मतलब आप में कुछ कमी है, पराक्रम की कमी है, किसी बात की कमी है, उन कमियों को दूर करो। दूसरों को दोष नहीं देना, अपने को बनाना। अब गांधी जी के इन उद्गारों में मुझे उसी विचार का प्रतिबिंब दिखता है। लेकिन गांधी जी ने इसको सामने रखा कि हमको मूल्यों की पुनर्स्थापना, मूल्यों के आधार पर आचरण की पुनर्स्थापना करते हुए उस प्रकार का एक सर्वांगीण जीवन देश का खड़ा करना है, इसका मतलब स्वतंत्रता की पूर्णता है। अंग्रेजों ने यहाँ से जाना ये उसका पहला अनिवार्य भाग है, क्योंकि उनके यहाँ तंत्र में रहते हम ये बात कर नहीं सकते, वो रोकेंगे हमको। और आज उनको उन्होंने रोकने के बाद ये कर सकने की जो एक नैतिक ताकत चाहिए वो खड़ी करनी पड़ेगी, वो अभी हुई नहीं है। इसलिए वो कहते हैं अंग्रेजों के पहले आप जाओ, आप पहले जाओ फिर हम देख लेंगे, आप ये नकराश्रु मत गिराओ, झूठे आंसू मत बहाओ कि हम छोड़ के जाएं तो आपका क्या होगा, आप में इतना अज्ञान है शिक्षा, वो हम देख लेंगे। आपके ज्ञान ने हमारा कोई भला नहीं किया है, हमारे पास हमारा भला करने के लिए आवश्यक परंपरागत ज्ञान है, उनके विचार थे। और इसलिए आखिर गांधी जी को समझना है तो ये पूरा देखना पड़ेगा क्या है वास्तव में, क्या है, मैं कह रहा हूं ऐसा है क्या, क्या है इस पुस्तक में सब प्रमाण बताया गया है। सब प्रमाण बताया गया है तो सब प्रमाण, उसकी जो भी चर्चा होनी हो सब प्रमाण होनी पड़ेगी। लेकिन ये गौर करने लायक बात है, और मुझे लगता है कि स्वतंत्रता के बाद तो, क्योंकि फिर ये अब हमारा देश हो गया, हमारा तंत्र हो गया, हमारा राज्य हो गया, राज्य तो स्वराज्य यानी अपना स्वयं ने चलाया हुआ राज्य तो हो गया, तो उस समय हो सकता है कि अंग्रेजों के खिलाफ निशस्त्र सत्याग्रह वगैरह वगैरह यशस्वी नहीं होगा, ऐसे लगने वाले लोग होंगे, प्रामाणिक लोग होंगे थे ही, उनकी भी देशभक्ति का स्तर कोई कम नहीं था, उनके भी त्याग का स्तर कोई कम नहीं था। लेकिन अब तो ऐसा कोई नहीं है कि जिसके बारे में ये कहा जाए कि इनको तो हमको ऐसे ही करना पड़ेगा, अहिंसा यहां नहीं चल सकेगी। तो अब हमको यानी ये गांधी जी ने तब सोचा, स्वतंत्रता के पहले की बात है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये गांधी जी का आग्रह और ये मूल्य आज स्वतंत्रता के बाद हमारे लिए ज्यादा विचारणीय अनुसरणीय मूल्य है।
और इसको हम कर नहीं सक रहे, ये दिखता है। जाप तो इसका रात दिन चलता है सर्वत्र, इसको करना चाहिए प्रत्यक्ष, वो नहीं होता, इसका कारण क्या है? तो ऐसा आचरण करने के लिए जो चाहिए, पहली बात है निर्भयता। जब तक डर है एक दूसरे के बारे में मन में, तब तक समदृष्टि संभव ही नहीं। ये तत्वज्ञान तो ठीक है, सब अस्तित्व में एक ही तत्व है, लेकिन मेरे भौतिक अस्तित्व को आप समाप्त करेंगे ऐसा मुझे डर लगता है, और मेरे होने से आपका अस्तित्व समाप्त होगा ऐसा आपको लगता है। ये डर जब तक है तब तक सौदे हो सकते हैं, एकात्मता नहीं हो सकती। तो निर्भय होना चाहिए, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता है ना। दुनिया में होंगे दुष्ट लोग, लेकिन मैं इतना समर्थ हूं कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गांधी जी ने एक बार कहा कि अगर हिंसा पूर्वक हिंदुओं को बदल दिया जाता है तो भी मैं हिंदुओं को कहूंगा कि प्रतिकार मत करो। ऐसा करते करते सब हिंदू समाप्त तो होंगे, मैं अकेला रह जाऊंगा, तो मैं हिंदू इस नाते हिंदू धर्म की गौरवता का उच्चरों से गान करूंगा और हिंदू का गौरव उसमें मानूंगा। और मुझे भी अगर ऐसा किया जाएगा तो मैं मरते दम तक हिंदू धर्म में पक्का रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये उनकी निष्ठा थी। अब ये विश्वास कहां से आ गया कि सारा हिंदू समाज समाप्त तो होगा, मैं अकेला रहूंगा तो भी मैं ऐसे ही रहूंगा? ये उनमें आता है जो समझते हैं कि हमारा धर्म अध्यात्म आधारित सत्याधारित होने के कारण वो शाश्वत है, वो जा नहीं सकता, मिट नहीं सकता। मन में ये निर्भयता चाहिए। हम सत्य है, सत्य है तो हम रहेंगे, हम ही रहेंगे। तो फिर अगर हमको कोई समाप्त करने का प्रयास किया है तो उसके बारे में एकदम क्रोध नहीं आता। वो ऐसे प्रयास करता है तो भी मन में द्वेष नहीं आता, विचार आता है कि ऐसा क्यों कर रहा है, हमारी कोई कमी है कि उसकी कोई कमी है। और मैं हिंदू हूं तो मैं मानता हूं कि सारी वसुधा मेरा कुटुंब है, तो मेरा एक कुटुंब ऐसा कर रहा है किसी कमी के कारण, तो उसकी कमी को दूर करके मैं उसकी इस प्रवृत्ति को कैसे समाप्त करूंगा? यह विचार ठंडे दिमाग से आदमी तब कर सकता है जब उसको यह भरोसा है, वो निर्भय है। और ये मन की निर्भयता चिरंजीव होने के लिए उसको शक्ति का आधार आवश्यक है, उसके बिना ये नहीं होता है। एक आदमी ऐसा हो सकता है, हमारे यहां बलिदान हुए हैं धर्म के लिए, टुकड़े टुकड़े हो गए शरीर से, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। लाखों उदाहरण है हमारे देश में, परंतु पूरा समाज धर्मानुगामी बना रहे ऐसा है तो समाज में सब प्रकार के लोग रहते, सामान्य लोग भी रहते हैं, सबकी उन्नति धीरे धीरे होती है, एकदम नहीं होती। तो तब तक उनको समाज की शक्ति का भरोसा चाहिए। सत्य के साथ शक्ति चाहिए। वो शक्ति दो प्रकार की होती है, अपने आचरण की शक्ति होती है, धर्म रक्षा करनी है ना, तो धर्म को खतरा कहां से, आचरण धर्म का बिगड़ता है, तो धर्माचरण अपना पूर्ण चाहिए, समझ कर चाहिए, उत्तम चाहिए। शाश्वत धर्म को आज के समय में, आज के तारीख में, आज के परिस्थिति में कैसा आचरण में लाना, इसकी कला चाहिए। और दूसरी बात है कि ये जिसको करके दिखाना है वो धर्मी है, धर्म एक तत्व है, वो ऐसे दिखाया नहीं जा सकता, दुकान से 1 किलो धर्म लाया नहीं जा सकता,
एक चम्मच धर्म मैं आपको देता हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। एक भाव परिकल्पना है, वो प्रत्यक्ष कब होती है, जब उसका आचरण करने वाले लोग होते हैं। तो धर्मी की रक्षा होनी चाहिए, अपने आचरण से धर्म रक्षा, अपने पुरुषार्थ से धर्मी की रक्षा। ये जब होता है तो निर्भयता ये सदा रहती है। परिस्थिति के उतार चढ़ाव के जो धक्के थपेड़े मिलती है उसका उस पर परिणाम नहीं होता। कोई भी परिस्थिति उस निर्भयता को तोड़ नहीं सकती, उस आश्वस्ति को तोड़ नहीं सकती। और इसके लिए संस्कार चाहिए। संस्कारों के लिए अपने स्व की भूमि का अध्ययन चाहिए, स्वाध्याय चाहिए, जैसा गांधी जी ने किया। गांधी जी ने केवल विश्वास पर स्वीकार नहीं किया, उन्होंने उसके प्रश्न बनाया, प्रश्न राजचंद्र जी को किए, उनको उसका समाधान मिला, आश्वस्ति मिली, उन्होंने करके देखा, उसमें वो चला। तब उन्होंने कहा कि मेरे अंतरात्मा की जो प्यास है उसको बुझाने वाला और कोई नहीं है, मेरा धर्म है, उसी में हो सकता है, दूसरे की जाने की जरूरत नहीं। ये उद्यम कम से कम विचारवान लोग जो है, पढ़े लिखे लोग जो है, थोड़े बहुत सुस्थिति में लोग है, वो करें और अपने समाज के सभी लोगों को जोड़कर उनको इस प्रकार आचरण सिखाएं। और अपने समाज में विविध प्रकार के जो और वैविध्यपूर्ण वर्ग है, उन सब में एक दूसरे के प्रति ये निर्भयता का, आत्मीयता का, सद्भावना का भाव उत्पन्न करे, तो गांधी जी का स्वराज्य का सपना साकार करने की हमारी शक्ति बनेगी। इसको समझना है तो इस पुस्तक का अध्ययन हम सब लोगों को अच्छी तरह करना चाहिए। इसमें कोई भी बात कंजेक्चर नहीं है। जहाँ तक मैंने थोड़े दिन में, बड़ा पुस्तक है, आपने देखा होगा उसका आकार, लेकिन पढ़ लिया बहुत सारा, लेकिन जल्दी जल्दी पढ़ा है, लेकिन मुझे यही दिखता है कि उसमें जो हर बात कही है उसके लिए कहीं ना कहीं गांधी जी का वक्तव्य है, गांधी जी का पत्र है, लेख है, संवाद है। स्वयं गांधी जी ने जो कहा है इसमें कोई अनुमान नहीं है। गांधी जी ने सत्याग्रह किस आधार पर सोचा और कैसे शुरू किया वगैरह, इसका अनुमान नहीं है। जो गांधी जी ने उसके बारे में कहा है वो है। तो हमारे आधुनिक भारत के निर्माताओं में अग्रणी, सर्वत्र जिनका आज भी प्रभाव है, ऐसे महात्मा गांधी जी का वास्तविक मंतव्य क्या था, ये समझने के लिए इस पुस्तक को खरीदना, पढ़ना, पढ़वाना, ये बहुत लाभ करेगा। ऐसा पुस्तक पढ़ के मेरा मत हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जैसे गांधी जी को हम पढ़ते हैं समझते तो लाभ होता ही है, लेकिन इस दृष्टि से विचार करके और अपना कुछ न लिखते हुए गांधी जी ने जो लिखा है, जो बोला है, उसी को आधार बनाकर इस पुस्तक की रचना हुई है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि गांधी जी के विचार का एक ऑथेंटिक स्कॉलरली रिसर्चफुल कमेंट, इस दृष्टि से उस पुस्तक का महत्व है। आप सब लोग उसको पढ़ें, उससे बोध लें और उस बोध को सर्व समाज व्याप्त करते हुए संपूर्ण विश्व को, गांधी जी जिस सभ्यता को भारत के लिए घातक मानते थे उसके विश्व के लिए घातक परिणाम जब सामने आ रहे हैं, तो उसमें जो कुछ सत्य है पूरा का पूरा बेकार है, कचरा, ऐसा तो गांधी जी भी नहीं कहते थे, लेकिन जितना दम है उतना रख के बाकी निरुपयोगी हटाकर उसको भी उत्क्रांत होने का एक अवसर देते हुए संपूर्ण विश्व को सुख शांतिपूर्ण विश्व बनने का मार्गदर्शन करने वाला भारत खड़ा करने की ताकत वाला समाज हम बनेंगे, वैसा बनने की आज समय की भी मांग है। और इसलिए गांधी जी ने इसके बारे में जो कहा है वो बहुत पठनीय, मननीय, विचारणीय, अनुकूरणीय है।
इस दृष्टि से इस पुस्तक का आप अध्ययन करिए। एक अनुरोध ही आपके सामने रखता हूँ और मेरे शब्दों को समाप्त करता हूँ।